अगर आपने हमारे चैनल टेलिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। इसके लिए हमने बुकरम लिया। इसकी लंबाई है वो 12 इंच है, चौड़ाई है वो 9.5 इंच। अब हम इसको डबल करेंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2.5 इंच की लेंगे। गले की लंबाई हमने 10 इंच की ली है। 1-1 इंच की हम यहाँ पे बुकरम रखेंगे। एक इंच के हमने यहाँ पे चौड़ाई रखी है बुकरम की। यहाँ से हमने 5 इंच पे निशान लगाया है। सबसे पहले हम यहाँ से गोलाई का कट कर लें। इसको हम इस तरीके से फिट करेंगे। अब इसके लिए हमें एक चौकुटा कपड़ा चाहिए और इसको अच्छे से रखना। यहाँ पे हम एक सुई लगा देंगे। अब हमें बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है। अब ये कपड़े को दबा के हम सिलाई लगाएंगे बुकरम के ऊपर। अब हम इसको बराबर करके यहाँ पे बीच में कट लगा लेंगे। यहाँ पे बीच में कट लगा लेंगे। अब इसी तरीके से हमारा पीछे का पल्ला है, यहाँ पे कट लगा लें। अब ये हमारा उल्टा है, उल्टे के ऊपर हम ये डिजाइन के गले को रखेंगे। बराबर ये दोनों निशानों को मिलाएंगे। यहाँ पे हम एक सुई लगा देंगे। अब हम बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब ये बीच का कपड़ा हम काटेंगे। अब ये हमारी यहाँ पे गोलाई है, वहाँ पर हम कैंची लगाएंगे। आपको हम आगे की साइड दबा के सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरीके से खींच के आगे की साइड करेंगे, जिससे पाइपिंग भी बन जाएगी। अब हम ये इसको तैयार करेंगे। पहले हम इसको अस्तल के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। अभी हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको सीधा करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे बुकरम के नीचे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। अभी हमारा गले में से कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम तिरछा करेंगे और इसमें से पाइपिंग निकालेंगे।
यहाँ से हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। इसको इस तरीके से पाइपिंग बना के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हम ये कपड़े को डबल करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब इसके बाद हम ये कपड़े को नीचे रखेंगे और इसको इसके ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें इसी के बराबर दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। अब ऐसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, इसी तरीके से हमें इस पर भी सिलाई लगानी है। और इसके बाद हम इसको डबल करेंगे। यहाँ पे बीच में निशान लगा लेंगे। अब ये निशान को हम यहाँ पे मिला के पहले हम यहाँ पे कच्ची कर लें, बाद में इस पर सिलाई लगाएंगे। अभी हमने कच्ची सिलाई करके बराबर सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब ये कच्ची सिलाई को हम हटा देंगे। ये हमारी जो कच्ची सिलाई है यहाँ पे, इसको भी हटा देंगे और इस पर अच्छे से प्रेस लगा देंगे। तो ये बन गई हमारी ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।